अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज हम लोग मास्क बनाएंगे, वो भी नेम वाला। मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम में स्टोरी में बताया था, रील डाली थी, तो जाके आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले अगर आप लोगों को अपडेट चाहिए तो नई वीडियो की। मास्क का आप लोगों को पूरा पैटर्न बना के दिखाऊंगी, जो हर किसी के लिए एकदम परफेक्ट मास्क होगा। बस आप लोगों ने इलास्टिक छोटा या बड़ा ले लेना है, ठीक है जी? तो चले अब मैं पैटर्न बनाना स्टार्ट करती हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर ना समझ आए तो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जवाब दे दिया करूँगी। तो ये देखिए 10x7.5 इंचज का मेरे पास बुक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मेजर करके दिखा देती हूँ। 10x7.5 इंचज का मेरे पास ये बुक है, ठीक है? तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों ने पहले चार जो लाइनें हैं हमारी, यहाँ से मैं आप लोगों को एकदम सिंपल तरीका दिखा बताऊँगी, तो आप लोग आराम से बना पाएंगे ये मास्क, ठीक है? तो आप लोगों को दिखा दूँ मैं। तो जी आप लोगों को पता है मैंने पॉइंट करके रखा हुआ है, ताकि मैं कुछ गलती ना करूँ, एक तरीके से आप लोगों को मेजरमेंट बताती चलूँ, ठीक है? इस तरीके की हम लोगों ने बुक ले लेनी है, और यहाँ से हम लोगों ने एक और दो लाइनें छोड़ के तीसरी लाइन पर हम लोगों ने निशान लगा लेना है। निशान भी मैं आप लोगों को बताऊँगी किस तरीके से, यहाँ से कितना मेजरमेंट लेना है और यहाँ से कितना मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ से आप लोग ले लें, हम लोग सेंटीमीटर में बनाएंगे, तो ये इस तरह से 6.5 इंचज पे, यहाँ से 6.5 इंचज आ रहा है, निशान लगा लें, लगा लिया। यहाँ से 8.5 इंचज आ रहा है, ठीक है? 8.5 इंचज नहीं, हम लोगों ने सेंटीमीटर में लेना है, ठीक है? सेंटीमीटर 8.5 इंचज आ रहा है, यहाँ पे निशान लगा देंगे 8.5 सेंटीमीटर पे, ठीक है? अब यहाँ पे जो आप लोगों को ब्लू लाइन नज़र आ रही होगी, वो पीछे वाले पेज की है, तो हम लोगों ने 1 इंच का यहाँ पे निशान लगाना है, 1 इंच, ठीक है? तो ये इतना ही आएगा, ठीक है? जो हमारी पिंक कलर की आप लोगों को लाइन नज़र आ रही है उतना ही, और यहाँ से भी 1 इंच का मार्जिन रखते हुए निशान लगा लेना। यहाँ से पिंक वाली लाइन से थोड़ा सा 0.5 सेंटीमीटर जितना थोड़ा दूर होना चाहिए, ठीक है? अब जी हम लोग यहाँ से लेंगे 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है? अब लाइन के हिसाब से मैं आप लोगों को दिखा दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? 9 लाइन आनी चाहिए, एकदम परफेक्ट मास्क बनकर तैयार हो जाएगा आप लोगों का, ट्रस्ट में हर किसी के लिए परफेक्ट होगा। बस आप लोगों ने इलास्टिक छोटा या बड़ा कर लेना है अपने हिसाब से। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे 8.5 सेंटीमीटर पे निशान लगा, उस निशान को इस निशान के साथ ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह ज्वाइंट कर लिया। अब ये 6.5 सेंटीमीटर का निशान लगाया था हम लोगों ने, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हम लोगों ने ज्वाइंट कर लिया, इस तरह सीधी लाइनें खींच लेनी आप लोगों को। अब जी जो हम लोगों ने 1 इंचज पे निशान लगाया था, ये आप लोगों ने सेंटर लेना है इसका। ये जो हमने निशान लगाया यहाँ पे, आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे अपने अंदाजे से किस तरह की लगा लिया, तो ये 9 लाइनें हैं हमारी, 9, 4 ऊपर की लाइनें छोड़ दे, 4 नीचे की लाइनें छोड़ दे, जो सेंटर की लाइन है उस पर हम लोगों ने निशान लगाना है, और उसी के मुताबिक हम लोगों ने सामने की तरफ यहाँ पे निशान लगाना है 1 इंचज का। होप समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब जी इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हम लोग मिला देंगे, स्ट्रेट लाइनें ज्वाइन कर दी जानी बस आप लोगों ने, उसके बाद हम लोग इसको पैटर्न देंगे, ठीक है? अभी इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। सॉरी हमारे यहाँ काम हो रहा है थोड़ा, ये देखिए, ठीक है? अब हम लोगों ने यहाँ पे इन दोनों का जो सेंटर आ रहा है जितना भी, ठीक है, ये 4 इंचज बता रहा है, 4 इंचज का सेंटर हम लोगों ने लेना है, इतना लूँगी मैं तकरीबन, इसके हिसाब से आप लोग बीच का सेंटर ले लें। मुझे ये नज़र आ रहा है मैं यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है? हाफ या 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, ठीक है? 0.5 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर पे निशान लगाएंगे, यहाँ का सेंटर लेके 1 सेंटीमीटर पे निशान लगाएंगे, अब हम लोग इसको कर्ल कर लेंगे। ये आप लोग देख ले कि किस तरीके से सही लग रहा है, बराबर नज़र आ रहा है आप लोगों को, अगर राउंड इसका तो आप लोग उसी हिसाब से लाइन लगा लिए, ड्रॉ कर लें। अब यहाँ से जो हमारा ये पॉइंट है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है? 5 सेंटीमीटर लेना है हमें यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब जी इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हम लोगों ने मिला देना, अगर क्रॉस जा रही है आपकी लाइन कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस ही आनी चाहिए, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। इस तरह से थोड़ी सी टेढ़ी आनी चाहिए लाइन, ठीक है? अब जी यहाँ से हम लोग 3 सेंटीमीटर लेंगे, 3 सेंटीमीटर ले लेना है हमें,
है तकरीबन, ठीक है। अब जी इसको राउंड कर देंगे इस तरह से, हो गया, ठीक हो गया जी। तो ये देख ले हमारी पैटर्न बनकर तैयार हो गई है। कितना इजी था और सिंपल था, बस आप लोगों ने इलास्टिक चेंज करना है, छोटा बड़ा करना है और जी आप लोगों का मास्क बनकर तैयार हो जाएगा। ये पैटर्न सबके लिए परफेक्ट है, बच्चों की बनानी है आप लोगों ने तो उसका बहुत ज़्यादा अलग मेजरमेंट होता था, यू नो। ये जो है वो मतलब बड़ों के लिए, बुढ़े भी यूज़ कर सकते हैं, एकदम फ्री पैटर्न है, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी, कटिंग करने के बाद मैं इसकी अपनी पुरानी टी शर्ट पर इसके कटिंग कर दूँगी, ठीक है जी। हाँ जी, तो मेरी बहुत वीडियो जो है ना बहुत धुंधली आ रही थी, पता नहीं मैंने 2 दफ़ा बनाई थी तो भी इस तरीके से रिज़ल्ट आ रहा था। चले कोई नहीं, आप लोग इस तरीके से पहले ये देख ले, मेजरमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 1 इंचिस है और यहाँ पे 1 इंचिस है, बाकी सारी मेजरमेंट सेंटीमीटर में लेनी है हमने। आप लोग गौर से देख लीजिएगा, ये 1 सेंटीमीटर है दोनों तरफ, ठीक है जी। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। हाँ जी, तो अब इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने इस तरीके का थ्रेड चाहिए होगा, मोटा जो थ्रेड होता है कॉटन का, आप लोग कोई भी सैटिन का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का थ्रेड चाहिए होगा, उसको हम लोग बॉबिन में भर लेंगे, उसको सटल में भर लेंगे, ठीक है। और वाइट हमने कॉन्ट्रास्ट कलर में जो हमारा फेब्रिक है उसी हिसाब से लेना है, ठीक है। आप थ्रेड कोई भी कलर का ले सकते हैं, मैं यहाँ पर ग्रीन कलर का थ्रेड यूज़ करी तो मेरे पास ब्लैक अवेलेबल नहीं था। और ये मैंने केडी लिखकर नोट पे पहले लिख लिया था इंटरनेट से देख के, उसके बाद स्केच करके उसको कट कर लिया है सिंपली, और फिर जी इस तरीके का मेरा बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं, इंटरनेट से आप कोई भी अल्फ़ाबेट लेके उसको ड्रॉ करके कट कर ले। और ये देखें मैं नीचे डाल रही हूँ यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग सटल डालते हैं उसी तरीके से, थोड़ा सा हल्का सा हमने खोलना पड़ेगा क्योंकि थ्रेड थोड़ी मोटी होती है, ठीक है जी। तो अब हम लोग इस तरीके से रखेंगे, आप लोग वीडियो में एकदम परफेक्टली देखते जाइएगा, आप लोगों को समझ आएगा मैंने किस तरीके से स्टिच किया है पूरे मास्क को। ये देखें हमने इस तरह रखना है और इसको सीधा कर लेंगे, तो ये हमारा जो हमारा बाहर की तरफ आएगा वो सीधा आएगा, क्योंकि पीछे से हमने उल्टा इसको रख के सिलाई लगानी है। अब हम लोग निशान लगाएंगे, मैं चौक से निशान लगा के दिखाऊंगी, फिर नज़र नहीं आ रहा था मुझे इसलिए मैंने फिर पेंसिल से भी निशान लगा के आप लोगों को दिखा दिया है। हाँ जी, तो आप देख ले मैं सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ, मैं आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता इत्मीनान से पूरा ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था तब काफ़ी सारी मिस्टेक हुई थी, लेकिन अब मेरा हाथ बैठ चुका है अच्छी तरीके से, तो अब मुझसे मिस्टेक नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी धीरे धीरे मशीन चलाइएगा एकदम आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये देखिए मैंने अल्फ़ाबेट बनाकर तैयार कर लिया है, इस तरीके से आएगा ये, जब हम लोगों ने पीछे स्टिच किया तो वो आगे की तरफ एकदम खूबसूरत सा बनकर आ जाएगा। अब हम लोगों ने इसको थ्रेड को निकाल के अलग कर लेना और जो हम लोगों का वाइट धागा है उसको लगा के इसको मास्क को हम स्टिच करके तैयार कर लेंगे, ठीक है जी। ये भी मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ लेकिन आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, क्योंकि मास्क बनाना तो बहुत ईजी होता है ना। Thank you.
आप लोगों ने कितना इजी तरीका था ये पैटर्न बनाने का। लोग इसी के है ना 100-100, 200-200 रुपए दे देते हैं, मतलब यार हद है, मेरा वीडियो देख लो। चले जी, हमारा मास्क बनकर तैयार हो गया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। अगर आप लोग इस तरीके का मास्क बनाए हो, अगर मुझसे इंस्पायर होके, तो इंस्टाग्राम पर मुझे पिक्चर शेयर कर देना मैं, ताकि मैं आप लोगों को टैग कर सकूं। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। कितना इजी पैटर्न था इसका, कोई हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। बस आप लोगों ने इलास्टिक छोटा बड़ा कर देना है और जी बस मास्क बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल कोविड में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मास्क की, तो फिर घर पे बना सकते हैं, हाइजीनिक भी रहता है। तो इसको लाइक कर देना और जी सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़।